हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? खुश होंगे, सही होंगे, सलामत होंगे। ये है मेरे पास ओप्पो A3S, जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है और कहीं सब रिपेयर भी किया हुआ है, बदरे तोड़े हुए हैं। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे और क्या करेंगे, आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरा बनने के लिए एक बार सेटिंग में देख लेते हैं, फिर आपको मदरबोर्ड पे मैं दिखाता हूँ। यह है ओप्पो A3S, नेटवर्क नो सर्विस आ रहा है। हालांकि सिम कार्ड शो कर रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस आ रहा है। 4G कनेक्टिविटी है फिर भी। ये सर्च कर लेते हैं मैन्युअली। नो सर्विस ही आ रहा है, नो नेटवर्क ही आ रहा है। तो सबसे पहले ये आईसी प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये आईसी कहीं प्रॉब्लम लग नहीं रही है, ये भी नहीं है। ये वाईफाई ब्लूटूथ की आईसी है और ये आईसी है जो बहुत सारे मॉडल में लगती है, सेम टू सेम एमआई में, नोट 4, एमआई 5, नोट 5 प्रो, ओप्पो A5, A5S, A3S, बहुत से मॉडल में। तो मैं इस आईसी को चेंज करके देखूँगा, एक बार ट्राई करूँगा। 99% इसी आईसी में प्रॉब्लम होता है। और इस आईसी का मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, WTR 2965। यह है आईसी मॉडल नंबर। इस आईसी को चेंज करके देखता हूँ एक बार। तो ये आईसी नया नहीं मिलता है, कई बार नया नहीं मिले तो आपको क्या करना है, कोई मॉडल में भी मिल जाता है। ये मेरे पास नोट 4 का मॉडल पड़ा है, डेड मोबाइल है जिसमें ये आईसी लगी हुई है। तो इसको निकाल के उसमें डालेंगे, अगर अच्छे से उठा देंगे तो रिबोल नहीं करनी पड़ेगी। अगर अच्छे से नहीं उठी, पॉइंट्स इधर उधर हो गए तो आपको रिबोल भी करना पड़ेगा। सबसे पहले ये चालू मोबाइल की आईसी उठाते हैं ताकि पता चले क्या पॉइंट है, क्या हालत है। जब भी आईसी का काम करे तो गन की फिटिंग है वो 350 पे रखें, ज़्यादा नहीं रखें। जो ओके आईसी है उसको उठाएंगे, नोट 4 है। एकदम परफेक्टली आईसी उठ गई है, इसको हम रिबॉइल कर देंगे। डैमेज आईसी है और ये हमने नोट 4 में से निकाली है, तरह रखना है ताकि आपकी आईसी हिले नहीं। और लगाएंगे पीपीडी,
पानी पिला बेटा, वो चेक किया रियलमी है? नहीं किया, कर देते हैं बाकी है। कहाँ फोन दिया कि नहीं दिया उन्होंने? दोस्तों ये परफेक्ट एकदम रिबॉइल हो चुकी है, कुछ भी डॉट्स या पॉइंट्स आगे या पीछे नहीं, सब लेवल सही है। अभी हम इसको सफाई कर देंगे, एक बार ये पॉइंट्स सारे साफ कर देते हैं। नहीं मेरे पास है नहीं, इधर उधर पड़ा तो था टेबल पे, देखो ना ऊपर रखे। मेरे पास हो तो भी मैं देख लेता हूँ, दो मिनट लगेगी। कंप्लीट साफ हो गए हैं पॉइंट्स, आनंद आ गया।
जाने का दिवाली में ये आईसी रिवोल होकर कंप्लीट हो गई है। अब इसको चढ़ा देते हैं बोर्ड में, अगर वीडियो एंड में अच्छा लगे, सॉल्यूशन मिले आपको भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। जाऊंगा तो सोने की इच्छा नहीं। ये आईसी लग के कंप्लीट हो गई है और अभी डालते हैं मदरबोर्ड में, पता चलता है क्या हुआ नहीं हुआ, कंडीशन क्या है। हाँ बाबू मैं ना हो तो हाल है ना हो जैसे अब तो बेजी चकाचक थी ना चंडी नीचे जाए ना के खबर नहीं पड़ती कौन से रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या है मोबाइल में कौन है मोटे बीजा फुकना मोबाइल में एम क्या ने सुन जा भैया शांति से बस सो गया
तो शांति से बैठा है अनु कवर नहीं मिले छोकरा कुछ बोल हां नु मैंने खबर है सर ए भाई बन अनु कवर मिले ના હું તો શું રાખું બંધ દુકાન અરે મોબાઈલ ની દુકાન તો બોર્ડ માર્યા છે તો બધું મળશે તો કેમ ના મળે લેડીઝ ની દુકાન હોય તો પ્રાણ નથી શું કામ નહીં ચડી છે બી ભૂલી તા હે ભૈયા શું કામ લેડીઝ ની દુકાન બધું મળશે હવે રાતે ઘેતો આવે ત્યાં ગલ્લા વાળા મળી ના देखो दोस्तों इसमें नेटवर्क परफेक्ट आ गया है पावर सेविंग मोड है उसको हटा देते हैं ताकि डिस्प्ले में लाइट बढ़े देख सकते हैं दोस्तों ये है 4G भी आ गया लिख के एयरटेल तो इस तरह अगर आपको दिक्कत आवे प्रॉब्लम नेटवर्क की नेटवर्क नो सर्विस आवे तो ये आईसी चेंज कर सकते हैं और कम्प्लीटली सॉल्यूशन हो जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें लाइक शेयर नहीं करें तो चलेगा सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली अच्छी पोस्ट आपको भी मिलती रहे थैंक यू